सिंपल वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद हमने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। आपको वीडियो के आगे की तरफ लेकर जाना है। वीडियो जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर से हमें वीडियो के आगे की तरफ लेकर आना है और देख सकते वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो फिर से हमें वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टूल राइट कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब वीडियो आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल सी वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये जो फोटो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते वीडियो हमारा कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। तो वीडियो जो है आपको यहाँ पे 10 से 12 सेकंड के आसपास शूट करना है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने फ़ोटो को कैप्चर किया था उस फोटो को आपको पी कार्ड से पीएनजी में आपको सेव कर लेना है। तो सिंपल मैंने सेव कर चुका हूँ तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पीएनजी में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताऊँगा पीएनजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं और इसको आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसे हमें फुल साइज कर लेना है, ठीक है। साइज करने के बाद आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ से हम जो है मोबाइल को अपने हाथ से लेकर बैक करता हूँ तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर कैची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। तो हमारा वीडियो अब जो है कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है। आपको करना है क्या, बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना है। आपको सिंपल से आईडी पे क्लिक करना है और जो आपने म्यूजिक डाउनलोड किए थे यहाँ पे आपको शो करते गा, इसके बाद क्लिक करना है। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है। जो भी म्यूजिक है आपको नीचे शो कर देगा, इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है, इसको लास्ट तक लेकर आ जाना है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल सी इस म्यूजिक वाले जो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किए थे वॉल्यूम जो है थोड़ा स्लो कर देना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 10 के आसपास रख देता हूँ क्योंकि तो हमारा ओरिजिनल साउंड जो है ज़्यादा होना चाहिए, बैकग्राउंड कम होना चाहिए। तो सिंपल से इस पर क्लिक करना है, इसको बैकग्राउंड में बैकग्राउंड को आपको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, आपको ओरिजिनल साउंड ज़्यादा आएगा, तो म्यूजिक ऐड किया तो उसमें साउंड जो है को स्लो आएगा। इसके बाद आपको डन करना है। इसके बाद आपको वीडियो पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और वीडियो जो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है, ये वीडियो जो अभी टिकटॉक पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो आप इस तरह के वीडियो आप बिल्कुल आसानी से